लगता कि हमारे देश में पक्षी कम हो गए हैं? सुबह सुबह आजकल उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। अगर लगता भी होगा तो आपने इसके बारे में सोचने या जानने की कोशिश नहीं की होगी। हम बताते हैं कि उनकी आवाज आजकल क्यों नहीं आ रही है। दरअसल आज के समय में पानी सबसे बड़ी समस्या है। गर्मियां आते ही पानी के तालाब, नहर सब सूख जाते हैं। ऐसे में पक्षियों को पानी नहीं मिलता और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नालियों के पास जुटते हैं। ऐसा करने से पक्षी बीमार होकर मर भी रहे हैं। लेकिन पक्षियों को उबारने और उन्हें साफ पानी मुहैया करवाने की जिद ठानी है एक शख्स ने। ये शख्स है केरल के एर्नाकुलम जिले के मुप्पाथड़म गांव में रहने वाले 70 साल के श्रीमान नारायण। आपको बता दें कि अब तक श्रीमान नारायण इस काम में 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। दरअसल श्रीमान नारायणन एक अवार्ड विनिंग राइटर और लॉटरी डीलर हैं। नारायणन अब अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पक्षियों की देखभाल में लगाते हैं। पक्षियों को बचाने के लिए वो गर्मियां शुरू होते ही लोगों के बीच मुफ्त में मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू कर देते हैं, ताकि चिलचिलाती तेज धूप में भी पक्षियों को पानी मिल सके। अब तक वो पक्षियों को पानी पिलाने की मुहिम में 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और लोगों को 10,000 मिट्टी के बर्तन बांट चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल एर्नाकुलम जिले में करीब 15 लाख रुपए के 50,000 पौधे मुफ्त बांटे थे। और तो और इतना ही नहीं, वो अपने गांव में लगभग 10,000 पेड़ लगा भी चुके हैं। वो गांव वालों से कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर के आगे एक फलदार पेड़ जरूर लगाए, ताकि पक्षी उसके फल खा सके। गर्मियों के मौसम में पक्षियों के लिए पानी का सबसे अहम जरिया हम इंसान ही तो हैं। वो बेजुबान हमसे मांगकर तो पानी पी नहीं सकते। ऐसे में हमें खुद ही ये पहल करनी होगी। अगर हम एक बर्तन में भी पानी रख दें तो उससे करीब 100 से ज्यादा पक्षी अपनी प्यास बुझा सकते हैं और हम ही पक्षियों को बचा भी सकते हैं। नारायणन ने साल 2018 में जीवन बचाने वाले पानी के लिए मिट्टी का बर्तन नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके साथ ही वो लगभग 9,000 मिट्टी के बर्तन सोसाइटी क्लब को बांट चुके हैं। उनका ये अभियान पिछले साल बहुत ही सफल रहा और इस साल भी उन्होंने इसे सफल बनाने का बीड़ा उठा लिया है। मलयालम और इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट नारायणन ने कई किताबें लिखी हैं। 6 साल पहले उन्होंने अपने समाज सेवा की शुरुआत एंटे ग्रामम गांधी जिलेदू, यानी गांधी के रास्ते पर चलता मेरा गाँव नाम के एक अभियान से की थी, जिसके तहत उन्होंने अब तक गांधी जी की आत्मकथा की करीब 5,000 कॉपियां भी बांटी हैं। अपने गांव में एक छोटा सा होटल चलाने वाले नारायण की 3 बेटियां हैं। 30 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और तब से अपनी बेटियों को उन्होंने अकेले ही पाला है। श्रीमान नारायणन के इस नेक काम में आप भी योगदान कर सकते हैं। किसी भी बर्तन में अपनी छत, बालकनी या फिर किसी भी जगह में किसी भी बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रख कर आप भी उनकी जिंदगी बचा सकते हैं।